की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। अभी हम सीतामढ़ी के डुमरा फील्ड में है, जहां हम देख रहे हैं कि हमारे के कुछ कर्मी यहां बैठे हुए हैं और टोपी लगाए हुए हैं पुरानी पेंशन बहाल करने के, जो टोपी पे लिखा हुआ है। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो यहां बैठ के सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, अपनी क्या राय रख रहे हैं। आइए हम सीतामढ़ी जिला वासियों को दिखाना चाहते हैं आपके माध्यम से। आइए थोड़ा सा आगे आइए कैमरामैन से। सर, ये जो आप डुमरा फील्ड में बैठे हुए हैं आप लोग, जी, पुरानी पेंशन को मांग करते हैं, जी, तो सर इस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को और जिला वासियों को? आप क्या मंशा लेके बैठे हुए सर, बताने की कोशिश करेंगे सर, बताइए ना, ऐसे बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का एक ही मांग है, पुरानी पेंशन। सरकार 2004 के बाद पुरानी पेंशन को बंद कर दिया है और ये जो न्यू पेंशन है एनपीएस है, ये कर्मचारी विरोधी है, ये कर्मचारी के सख्त खिलाफ है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जिस तरह 5 राज्य में सरकार ने, वहाँ के सरकार ने ओपीएस दे दिया है, इस तरह हम लोग भी बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ भी ओपीएस बहाल किया जाए। ओपीएस में, ओपीएस बुढ़ापे की लाठी है। कर्मचारी मांगे ओपीएस, डीएम मांगे ओपीएस, पुलिस कर्मचारी मांगे ओपीएस, चपरासी मांगे ओपीएस, शिक्षक मांगे ओपीएस, नर्स मांगे ओपीएस। बिहार के, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है। और हम लोग विजय बंधु जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके हम लोग कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। और बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के जो अध्यक्ष है, दोनों कदम में कदम मिला के चल रहे हैं। इसी दिसंबर को 10 तारीख को पटना में पेंशन मानवाधिकार रैली है, इसी हेतु, उसको सफल संचालन करने के लिए सीतामढ़ी में आज मीटिंग रखा गया है कि यहाँ से भी, सीतामढ़ी से भी हजारों हजार की संख्या में कर्मचारी पटना पहुँचे और उस रैली को सफल बना दे। और उम्मीद भी है कि सीतामढ़ी से हजारों हजार की संख्या में यहाँ के अध्यक्ष अलीमुद्दीन दी है, उसके अध्यक्षता में हजारों हजार की संख्या में लोग वहाँ जाएंगे और उस रैली को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे सामने बैठे हुए हैं रिटायर्ड शिक्षक है, और इनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कि बाबा के उम्र के हैं, ये पूरा जीवन ड्यूटी में दे के भी ये अभी परेशान है इस उम्र में। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बाबा किस चीज़ की परेशानी है कि आप ठंडी में आकर यहाँ बैठे हुए। हमारे साथ यही परेशानी है कि हम इतना दिन देश के सेवा किया और सेवा करने के बाद अभी बुढ़ापे में दवा दारू चलने के लिए भी पैसा नहीं आ रहा है। हम लोगों को पेंशन विहीन कर दिया गया है, और पेंशन विहीन कर दिया गया है तो हम लोग किस आधार पर आगे के जीवन हम लोग ले चलेंगे? अभी तक जितने भी हमारे राजनेता हैं उन लोगों को पेंशन मिल रहा है पुरानी पेंशन, जितने भी 2004 से पहले के कर्मचारी है उन लोगों को भी मिल रहा है पेंशन, और हम लोगों को पेंशन विहीन किया जा रहा है। ये कैसे हम लोगों का आगे का परिवार चलेगा? आप क्या सरकार से क्या मांग रखना चाह रहे हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों को लागू किया जाए, सरकार से तो यही मेरा निवेदन है। तो आप लोगों का ये भी कहना है कि हक अगर मांग के नहीं मिलेगा तो छीन के लिया जाएगा? एकदम लिया जाएगा, जा रहे हैं वो, लेकिन हमारी नियुक्ति 2004 के बाद जिनकी भी हो रही है, आज भी नियुक्ति हो रही है, उनको एनपीएस मिल रहा है और एनपीएस का पैसा शेयर बाजार में चला जाता है 10% का। पैसा कहाँ जा रहा है किसी एम्प्लॉय को पता नहीं है, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको भी ओपीएस में लाएं, ताकि हमारा जो पैसा कटेगा जीपीएफ में, जो हमारे बुढ़ापे में, हमारी बीमारी में, हमारे बच्चों की शादी में, पढ़ाई में व्यवस्था हो, उस समय हम उसको निकाल सकें। लेकिन एनपीएस में ये व्यवस्था नहीं है कि आप अपने पैसा को निकाल सकते हैं, मात्र 25% दिया गया है, जो आपका राशि कटता है डिडक्शन 10%, उसका 25% आप निकासी कर सकते हैं, जो आपका वो हमारे किसी काम का नहीं होगा 25% राशि।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जिला सीतामढ़ी में अभी तक का यही हाल बना हुआ है कि हर आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ता है, या तो लड़ के वो घर चले जाते हैं या तो लड़ते लड़ते वो बूढ़े हो जाते हैं। मांगे ओपीएस, शिक्षक मांगे ओपीएस, वकील मांगे ओपीएस, डीएम मांगे ओपीएस, डीओ मांगे ओपीएस, पुलिस मांगे ओपीएस, शिक्षक मांगे ओपीएस, क्लर्क मांगे ओपीएस, चपरासी मांगे ओपीएस।